हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। और आगे चल करके हमको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है। मुख्य परीक्षा की तैयारी को हम यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 से। तो रिपोर्ट से संबंधित जो डाटा है वो तो अधिकांश स्टूडेंट कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर लेते हैं, तो हम यहां पर डाटा पे पहले चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में जो टर्मिनोलॉजी हैं उनको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। उसके आधार पर फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट से संबंधित आंकड़े हैं उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी। आइए तो सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कैनोपी। सबसे पहले आपने को क्या समझना है, यहां पर कैनोपी के बारे में समझना है। तो कैनोपी आप समझ जाइए कि भाई आप किसी भी फॉरेस्ट में यदि आप जाते हैं तो उसके ऊपर में जो हरा भरा पूरा क्षेत्र आपको दिखाई देता है, जो ग्रीनरी दिखाई दे रही है, वही क्या है, एक प्रकार से उसकी कैनोपी है। तो यहां पर कैनोपी की जो डेंसिटी है या जो कैनोपी की सघनता है उसके आधार पर फॉरेस्ट को हम फोर कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। फोर कैटेगरी में क्लासिफाइड करने का मतलब क्या है कि जैसे हम ये बोल रहे हैं यहां पर आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, अपने को क्या मिल रहा है यहां पर आपका ये वेरी डेंस फॉरेस्ट, मतलब ये हमने एक ले लिया वेरी डेंस फॉरेस्ट। ये यहां पर अपने को दिखाई दे रही है कैनोपी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये ट्री लगा हुआ है, इसके ऊपर का जो हरियाली वाला भाग है, ग्रीनरी है, वही क्या कहलाती है आपका कैनोपी। तो यदि हम ये बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ये क्या हो गया पूरा एक आपका एरिया हो गया फॉरेस्ट का। इस फॉरेस्ट के एरिया में यदि आपका जो कैनोपी है ये मोर देन 70% कैनोपी है, तब इसको आप बोलोगे यहां पर वेरी डेंस फॉरेस्ट कहा जाएगा। दूसरी कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है यहां पर आपका ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मतलब ये बहुत ज्यादा सघन है और ये मध्यम सघन है यहां पे मॉडरेटली, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट। तो यहां पर जो कैनोपी आपको दिखाई देगी, कैनोपी मतलब ये क्या हुआ आपका, ये ऊपर में जो ट्री की अपने को ब्रांच है, लीफ है, ये सब दिखाई देती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं यहां पर आपका ये कैनोपी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो अपने को दिखाई दे रहा है तो ये डेंसिटी यदि आपका 40% से 70% के बीच है तब इसको आप बोलोगे यहां पर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहा जाएगा। अब थर्ड कैटेगरी यहां पर आती है आपका ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं तो यहां पर जो डेंसिटी है ये क्या रहेगी, इन बिटवीन 10% से 40%, मतलब यहां पर जो कैनोपी की जो सघनता है ये इन दोनों की तुलना में कम है 10% से 40%, तो इसको बोला जाएगा यहां पर ओपन फॉरेस्ट कहा जाएगा। अब फोर्थ कैटेगरी आती है जहां पर कैनोपी की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो लेस देन 10% जब कैनोपी की डेंसिटी रहेगी तो उस एरिया को हम बोलते हैं स्कर्ब। स्कर्ब बोलने का मतलब ट्रीज एंड बसेस, ठीक है, झाड़ झंखाड़ के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो फोर कैटेगरी अपन यहां पर पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान रखिए, दूसरा आप ये ध्यान रखना कि जो फॉरेस्ट कवर एरिया जब आप आंकड़ों में जाते हैं तो फॉरेस्ट कवर एरिया और ट्री कवर एरिया, ये दो एरिया आपने को दिखाई देता है। तो पहले अपन समझते हैं यहां पर फॉरेस्ट कवर एरिया। तो फॉरेस्ट कवर एरिया में ये तीनों को काउंट किया जाएगा, इसको हम फॉरेस्ट कवर एरिया में काउंट नहीं करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट कवर एरिया में उसी को सम्मिलित किया जाएगा जहां पर कैनोपी की डेंसिटी मोर देन 10% होगी। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, ध्यान देना कि कैनोपी की डेंसिटी लेस देन 10% है, इसलिए इस एरिया को फॉरेस्ट कवर एरिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ये ध्यान देना। तो ये एरिया क्या हुआ आपका फॉरेस्ट कवर एरिया। इस फॉरेस्ट कवर एरिया का जो डाटा भी आप देख रहे हैं यहां पर कि 21.71%, मतलब भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 21.71% एरिया में आपका विस्तारित है क्या चीज, आपका फॉरेस्ट कवर एरिया। दूसरा अपन देखते हैं ट्री कवर एरिया। ट्री कवर एरिया को अपन अलग से स्टडी करते हैं, तो ट्री कवर एरिया को इसलिए अलग से स्टडी किया जाता है, ध्यान देना कि जो फॉरेस्ट कवर एरिया है इसके लिए दो क्राइटेरिया मेन है। एक तो आपका मिनिमम एरिया 1 हेक्टेयर या मोर देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए, ध्यान देना फॉरेस्ट कवर एरिया के लिए जो मिनिमम एरिया है वो क्या होना चाहिए, 1 हेक्टेयर या मोर देन 1 हेक्टेयर का एरिया होना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो ट्री कवर एरिया है वो मोर देन 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर हो। कुछ ट्री कवर एरिया ऐसे भी होते हैं जो लेस देन 1 हेक्टेयर होते हैं,
तो ऐसे जो ट्री के पेचेस हैं उनको अपन फॉरेस्ट कवर एरिया में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना कि जो स्कर्ब वाला एरिया है वो लेस देन 10% कैनोपी डेंसिटी होने के कारण फॉरेस्ट कवर एरिया में सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार से जो ट्री कवर एरिया है उसका भी जो एरिया है यदि 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको भी अपन फॉरेस्ट कवर एरिया में सम्मिलित नहीं करते हैं, उसको अलग से स्टडी किया जाता है ट्री कवर एरिया में। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको दिया हुआ है कार्बन स्टॉक आप पढ़ते हैं, तो कार्बन स्टॉक बोलने का मतलब क्या है कि कोई भी एक जो फॉरेस्ट एरिया है उस फॉरेस्ट एरिया में कार्बन जिस रूप में भी उपलब्ध है। तो फॉरेस्ट में कार्बन किस रूप में उपलब्ध है, एक तो आपका बायोमास के रूप में उपलब्ध है कि भाई जितना भी आपका फॉरेस्ट का एरिया है उसका अपना एक जैव भार होगा, बायोमास होगा, वो कार्बन है। इसके अलावा फॉरेस्ट में ही आपका डेड लिप मृत कोशिकाएं या सड़ी गली पत्तियां पड़ी हुई हैं वो भी कार्बन के फॉर्म में है। वहां की जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस के फॉर्म में कार्बन उपस्थित है। इसके अलावा आपका जो फॉरेस्ट का एरिया है वहां पर लीटर कचरा के रूप में जो उपलब्ध है वो भी कार्बन के रूप में उपलब्ध है। तो बोलने का मतलब ये होता है कार्बन स्टॉक का मीनिंग ये है कि किसी भी एरिया में जिस रूप में भी कार्बन उस फॉरेस्ट में उपलब्ध है वो पूरा उसका कार्बन स्टॉक कहलाएगा। तो ये हमारी जो फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी है, और इसी के बेस पर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पूरा डाटा आपको एक एक पॉइंट अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ भेज जाइए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।